अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ अंडा बिरयानी की रेसिपी कुकर में, जो बहुत झटपट बनकर तैयार हो जाती है। और ये वीवर्स रिक्वेस्ट भी थी, तो चलिए बनाते हैं अंडा बिरयानी की रेसिपी। ये रेसिपी बनाने के लिए मैंने कुकर गर्म करने रखा है, और कुकर में हम ऐड करेंगे 2 बड़े चम्मच तेल, और तेल को हम अच्छा गर्म होने देंगे। तेल गर्म होने के बाद हम इसमें ऐड कर देंगे 2 मीडियम साइज़ की प्याज कटी हुई, और प्याज के साथ साथ हम इसमें कुछ गर्म मसाले भी ऐड करेंगे। तो गरम मसालों में मैंने ले लिया है 2 तेज़पत्ता, 2 दालचीनी के टुकड़े, 10 से 12 काली मिर्च, 1 स्टार फुल, 4 से 5 लौंग, 1/2 टीस्पून शाही ज़ीरा, 2 हरी इलायची और 1 बड़ी इलायची। अब हम इसे भून लेंगे जब तक कि प्याज का कलर गोल्डन नहीं हो जाता। और ये देखिए, प्याज को मैंने गोल्डन कलर होने तक भून लिया है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे 1 बड़ा टमाटर कटा हुआ, और मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद अब हम इसमें ऐड कर देंगे 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, और आधा मिनट के लिए हम इसे भून लेंगे ताकि अदरक लहसुन का भी कच्चापन ख़त्म हो जाए। और आधा मिनट तक मैंने भून लिया है, तो अब हम इसमें ऐड करेंगे 8 से 10 कड़ी पत्ता और 2 हरी मिर्च कटी हुई। मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे कुछ मसाले। तो यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून लिया है धनिया ज़ीरा पाउडर, 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, नमक लेंगे स्वाद अनुसार, और 1 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। सभी मसालों को हम इसमें ऐड कर देंगे और मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसमें ऐड कर देंगे थोड़ा सा पानी, ताकि मसाला भी अच्छी तरह से भुन जाए और प्याज और टमाटर भी हल्के से सॉफ्ट हो जाए। तो अब हम इसे मिक्स करेंगे, और लो फ्लेम पर हम इसे पकने देंगे लगभग 1.5 से 2 मिनट के लिए, ताकि प्याज और टमाटर सॉफ्ट हो जाए। ये बिल्कुल लो फ्लेम पर मैंने पकने दिया था, और ये देखिए तेल छूटने तक मैंने पका लिया है, और प्याज और टमाटर भी सॉफ्ट हो गए हैं। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे दही। तो यहाँ पर मैंने 100 ग्राम दही का इस्तेमाल किया है, और दही को हम अच्छे से मिक्स करेंगे, और दही का पूरा पानी ड्राई होने देंगे। तो हमें यहाँ पर तेल छूटने तक अच्छी तरह से भून लेना है। और ये देखिए तेल छूटने तक मैंने अच्छी तरह से भून लिया है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे बिरयानी मसाला पाउडर। तो यहाँ पर मैंने 1/2 टीस्पून ही लिया है बिरयानी मसाला पाउडर। मिक्स कर लेंगे। और कुछ सेकंड के लिए भून लेंगे। अब हम इसमें ऐड कर देंगे उबले हुए अंडे। तो यहाँ पर मैंने 5 उबले हुए अंडे लिए हैं। आप अंडों को उबालकर फ्राई भी कर सकते हैं, अगर आप फ्राई पसंद करते हैं तो। यहाँ पर मैंने अंडों को सिर्फ उबाल लिया है और छिलका निकाल लिया है, उसे फ्राई नहीं किया है। तो अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद अब हम इसमें ऐड कर देंगे थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया और पुदीना। मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद अब हम इसे ढककर रखेंगे लो फ्लेम पर लगभग 1 मिनट के लिए। तो ये बिल्कुल लो फ्लेम पर मैंने 1 मिनट तक रहने दिया था, ताकि अंडों में भी सारा फ्लेवर आ जाए। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे बासमती राइस, जिसे मैंने 20 मिनट पहले से भिगो कर रखा हुआ था, और अब हम इसे ऐड करेंगे। यहाँ पर मैंने 2 ग्लास बासमती राइस लिया है। राइस ऐड करने के बाद अब हम इसे मिक्स करेंगे, और आधा मिनट के लिए हम इसे फिर से भून लेंगे। और ये देखिए अच्छी तरह से मैंने मिक्स कर लिया है, और आधा मिनट तक हमने इसे भून लिया है।
अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। तो ये जिस ग्लास से मैंने बासमती राइस नापा था 2 ग्लास, उसी ग्लास से हम 2.5 ग्लास पानी का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर मैंने ये 1 ग्लास पानी ऐड किया, ये 2 ग्लास पानी, और हम इसमें 1/2 ग्लास पानी इस्तेमाल करेंगे, यानी 2.5 ग्लास हम इसमें पानी का इस्तेमाल करेंगे। अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद अब हम इसमें ऐड कर देंगे थोड़ा सा पुदीना और थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया। मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पर आप नमक ज़रूर चेक कर लीजिएगा, अगर कम है तो हम इसमें और नमक यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो अब हम नमक चेक करेंगे, थोड़ा सा कम है तो इसमें मैं और थोड़ा सा नमक ऐड कर रही हूँ। और मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें हाई फ्लेम पर एक उबाल आने देंगे। तो ये देखिए, इस तरह से हमें हाई फ्लेम पर एक उबाल ले लेना है और मिक्स कर लेना है। और मिक्स करने के बाद अब हम कुकर की लिड बंद करेंगे और हाई फ्लेम पर हम इसमें 3 प्रेशर ले लेंगे। हाई फ्लेम पर 3 प्रेशर लेने के बाद हम इसका प्रेशर पूरी तरह से अपने आप रिलीज़ होने देंगे। 3 प्रेशर लेने के बाद 1/2 मिनट तक मैंने बिल्कुल लो फ्लेम पर रहने दिया था, फिर गैस बंद किया था और फिर मैंने पूरा प्रेशर ऑटोमेटिकली रिलीज़ होने दिया था। तो ये लगभग हम 10 से 12 मिनट के बाद ओपन कर रहे हैं। अब हम इसे थोड़ी देर इसी तरह से खुला रखेंगे ताकि ये देखिए चावल जो है वो खिले खिले बने रहे। तो ये देखिए नीचे से अच्छी तरह से चावल पक गए हैं और ज़रा भी नीचे लगे नहीं हैं और कितने खिले खिले हमारे बासमती राइस बनकर तैयार हुए हैं। ये देखिए, तो आप इसी तरह से अंडा बिरयानी ज़रूर ट्राई करें, आपको बहुत पसंद आएगी। और आपको ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।